हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम लर्न इंग्लिश वर्ड्स में सीरीज नंबर 7 देखेंगे, यानी 61 से 70 तक। इसमें फर्स्ट वर्ड है स्टीम। स्टीम नाउन है, इसका मतलब है रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, यानी कि आदर, मान, सम्मान। नेक्स्ट अस्प्यूरियस। अस्प्यूरियस एडजेक्टिव है, मीन्स नॉट बीइंग व्हाट इट परपर्ट्स टू बी, फॉल्स और फेक, नकली, जाली, भ्रामक। यानी जैसे देखो, शराब वगैरह में भी होता है कि 10 पीपल डाइड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अस्पिरियस लिकर, यानी कि जो लिकर, जो शराब, अल्कोहल होना चाहिए वो सही होना चाहिए था, वो नहीं है वो उसके कारण। या फिर जैसे जो एक्चुअल में बहुत सारे ड्रग्स वगैरह हैं, तो वो जो कंपोजिशन होना चाहिए वो नहीं है, वो फेक है। नेक्स्ट नंबर कन्विक्ट। कन्विक्ट दोनों में यूज होता है, वर्ब में भी और नाउन में भी। तो यदि वर्ब है तो इसका मतलब है कि डिक्लियर समवन टू बी गिल्टी ऑफ अ क्राइम ऑफ ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए ज्यूरी और द डिसीजन ऑफ ए जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि किसी भी कोर्ट में दोषी घोषित करना, तो ये नाउन के तौर पे, ये सॉरी वर्ब के तौर पे भी यूज होगा, तो इसमें डिक्लियर गिल्टी। नाउन के तौर पे अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सर्विंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजॉनमेंट, यानी कि जो पर्सन है वो गिल्टी है, दोषी है। नेक्स्ट इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब हैविंग ए फ्राइटनिंग, ओवररिंग और थ्रेटनिंग इफेक्ट, यानी कि डरावना। फ्रूगल। फ्रूगल एडजेक्टिव है, स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड्स मनी और फूड, यानी पैसे और फूड के संबंध में मित व्ययी, यानी कम खर्च करने वाला। आज के डेट में देखो, इसका ना इकोनॉमिक्स में के टर्म में भी यूज होता है, फ्रूगल इकोनॉमिक्स। फ्रूगल इकोनॉमिक्स का मतलब ये नॉर्मली होगा कि एक तरह से आप कोई भी चीजें विकसित करना, डेवलप करना, ये टेक्नोलॉजी जिसमें कि कम एक्सपेंडिचर पे कोई भी न्यू अल्टरनेटिव मेथड को यूज करके आप उसको यूज करें। जैसे एक कोई मशीन बना रहे हो, तो कोई मशीन यदि प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से लैब में, कंपनी में, फॉर्म में बनाया जाए तो वो कॉस्टली होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन करके वो उसको बहुत सस्ते दर पे बना दे। नेक्स्ट जो है 66 नंबर, जेनिथ। जेनिथ नाउन है, द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल, द पॉइंट इन द स्काई और सेलेस्टियल स्फेयर डायरेक्टली अबव एंड ऑब्जर्वर, यानी कि शीर्ष बिंदु। जो जैसे आप होता है कि सक्सेस के आप अपने जेनिथ पे पहुंचे हुए हैं, आप अपने प्रतिष्ठा के जेनिथ पे पहुंचे हुए हैं, यानी कि अपने जो चरम सीमा, जो चरम बिंदु है कि दिस इज द पीक हाइट, तो शीर्ष बिंदु। नेक्स्ट है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव एडजेक्टिव है, प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभप्रद। जैसे बिजनेस, तो ल्यूक्रेटिव बिजनेस। जॉब, ल्यूक्रेटिव जॉब। आप जैसे गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हो, डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर, तो ल्यूक्रेटिव पोस्ट है। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव, नेवर डन और नॉन बिफोर, अभूतपूर्व। जैसे आप मान के चलो कि आपका रिकॉर्ड था कि 70% मार्क्स लाने का, आपने 90% ले आया, तो वो ना कि अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस। हाँ, अब ये एक तरह से जनरली पॉजिटिव टर्म्स में यूज होता है, लेकिन आप निगेटिव भी ये करते हो तब भी अनप्रेसिडेंटेड है। प्यूनरी नाउन है, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, एक्सट्रीम पुअर्टी, यानी दरिद्रता। नेक्स्ट 70 नंबर प्रूडेंस। नाउन है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रूडेंट, कॉशियसनेस, यानी बुद्धि, विवेक या बुद्धिमानी। तो आज का 10 वर्ड्स हो गया कुल मिलाकर के 70। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वो मैं करते जाता हूँ, आप 10 10 धीरे धीरे सीखते चलो, वन टाइम ऐसा आएगा कि आप अच्छा खासा शब्द को जान जाओगे। होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।